फैटी लिवर एक बीमारी है और जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, उनका वज़न अपने आइडियल बॉडी वेट से ज़्यादा हो, या जिन लोगों का लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो, यानी जिसमें कोई मेहनत या मुशक्कत शामिल ना हो, या कुछ लोगों की फैमिलीज़ में हाई कोलेस्ट्रॉल या मोटापा होता है, इन सब लोगों में ये टेंडेंसी होती है कि उनकी बॉडी में ज़्यादा फैट होता है और ये फैट बॉडी में स्टोर्स के अंदर डिपॉजिट होता है और लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे फैट काफ़ी मकदार में जमा हो सकता है। फैटी लिवर एक हद तक लिवर को नुकसान नहीं पहुँचाता, बट एक स्टेज आती है जिस वक़्त लिवर के अंदर मौजूद ज़्यादा फैट लिवर सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है और ये स्टेज वो है जब फैटी लिवर एक बीमारी बन चुकी है। जिस तरह हेपेटाइटिस बी या सी आहिस्ता आहिस्ता 10-15 सालों में लिवर को थोड़ा थोड़ा डैमेज करते हैं और इवेंचुअली लिवर डैमेज होकर सिकुड़ जाता है, बिल्कुल इसी तरह फैट लिवर सेल्स को थोड़ा थोड़ा डैमेज करता है और 10-15 सालों में लिवर डैमेज होकर सिकुड़ जाता है, जिसकी चीज़ को हम कहते हैं लिवर सिरोसिस। लेकिन अगर सुस्ती की जाए, लापरवाही की जाए और आपके लिवर में फैट रहते हुए ALT और AST ज़्यादा रहे, तो ये डैमेज का प्रोसेस चलता रहेगा और लिवर के अंदर कैंसर बनने का रिस्क बढ़ जाएगा।